الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے قرات اجر لکھتا ہے. ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از نبیل احمد ہاشمی فرام ٹریننگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ دارالمدینہ. آئی ہوپ یو آل آر فائن. May Allah Ta'ala just keep you all in the best health and save you all from any kind of mishap. Particularly nowadays we have this, COVID-19 coronavirus. Allahumma ameen. But the speciality, of our system, Darul Madina International Scoring System, that keeping the fact of the circumstances that where all the educational activities are inactive. So they have started online training program for our students, our teachers and parents, because we know very well that students' actual progress is impossible without the coordination and the positive involvement of our teachers and parents. So session, I hope is going to be worth learning for all. So basically it is orientation of our English language, program is going to be uploaded. When you'll be listening this session, jab aap ye session sun rahe honge, to inshallah taala ye session aapke liye yakeenan bahut karamad hoga. It is basically, as you can see on the screen, orientation. ये तारुफ है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का. जो सीरीज ऑफ सेशंस जो है वो जो होने जा रहा है हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली और जनरली फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल. तो मैं कोशिश करूंगा कि सेशन को बायलिंगुअल लेके चलूं और आपको किस तरह इन ऑनलाइन ट्रेनिंग जो सेशंस हैं इससे इस्तेफादा हासिल करना है, इससे बेनिफिट हासिल करना है. यू विल कम टू नो अबाउट इन द इंशाल्लाह ताला अपकमिंग सेशंस. और जो अपकमिंग सेशंस आपके पास आते रहेंगे उनमें भी आपको फायदा हासिल होगा और आपके इल्म में आएगा. और ये सेशन आपको सपोर्ट करेगा कि पूरा प्रोग्राम आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल होने वाला है. यस, इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, नो डाउट अबाउट इट. कोई शक नहीं इस बात में, कोई दो राय नहीं. इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. और वंस अगेन सल्यूट टू आवर दारुल मदीना इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम, बिकॉज इट ऑलवेज सपोर्ट, मोटिवेट, एनकरेज इट्स टीचर्स, स्टाफ एंड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश मैक्सिमम इन द सिस्टम, सो दैट आवर स्टूडेंट्स especially they listen or they get rich English speaking environment. Because we know very well, for improving any particular language it is important to listen that particular language. Zaruri hai kisi zaban ko improve karne ke liye, kisi zaban mein maharat hasil karne ke liye, us zaban ko zyada suna jaye. Why? Because we know very well that there are four major skills of learning any language. किसी भी जबान को इम्प्रूव करने के लिए हमारी चार बेसिक स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो एज यू कैन सी दैट लिसनिंग इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे ऊपर है ये महारत. और इसके बारे में अक्सर मैं अपने सेशंस में ये बात भी कहता हूँ कि अगर आप देखें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर मुस्लिम एंड वी नो वेरी वेल दैट व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू नॉर्मली, हम क्या करते हैं, अपने किसी बुजुर्ग को बुलाते हैं, ठीक है, उससे बच्चे के कान में अजान दिलवाते हैं. सो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन आवर एंटायर लाइफ, कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है. तो अजान सुनते हैं
तो समात लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इस मिसाल से भी हम तवज्जो दे सकते हैं, अजान दी जाती है कान में, तो इस तरह स्टूडेंट्स इस तरह उस बच्चे की उस दुनिया में आने वाले शख्स की लिसनिंग स्किल का टेस्ट शुरू हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज लाइक द रिसर्च आई वांट टू शेयर विद यू दैट यू नो लाइक ऑलमोस्ट टू और थ्री ईयर्स, दो से तीन साल शुरू के जो होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज ईयर्स। इफ यू नोटिस, एक बच्चा जो होता है मोस्टली लिसन, वो सुनता है अम्मा अब्बा को, अपने सोशल सर्कल को, अपनी सोसाइटी में जो जो भी लैंग्वेज चल रही थी उसको सुनता है। एक रिच यू नो टाइम पीरियड ऑफ लिसनिंग चलता है एंड देन ही और शी स्टार्ट स्पीकिंग। तो लिसनिंग जो है वो it matters a lot if when it comes to the you know like improving learning you know or getting the master on any language. सबसे इम्पोर्टेंट रोल लिसनिंग का है हमारा। सो फिर मैं इंगेज करता हूँ इसको अपने प्रोग्राम से कि अल्हम्दुलिल्लाह, सो ये जो हमारा एक लैंग्वेज प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें हम अपने सेशंस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। टीचर्स को ये बताया जाएगा कि वो स्टूडेंट्स को किस तरह मजीद मोटिवेट करके सिखा सकते हैं, पेरेंट्स को बताया जाएगा क्योंकि आजकल एक्टिविटीज जो है स्कूल्स वगैरह की नहीं है, घर पर ही है, कि वो किस तरह बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे पेरेंट्स क्वालिफाइड हो ना हो। ठीक है, मोटिवेशन यू नो लाइक नीड्स नो एजुकेशन, इसके लिए कोई तालीम की जरूरत नहीं है। आपका एक लफ्ज भी, आपका एक अच्छा कमेंट भी बच्चों को मोटिवेट करता है अच्छे काम को करने के लिए, और डिस्करेजमेंट जो होती है या कोई भी ऐसा कमेंट जो होता है बच्चों की हौसला शिकनी अच्छे काम की तरफ जो है वो यकीनन जो है उसका बड़ी अहमियत का हामिल है तमाम चीजें। तो पेरेंट्स को उसके हिसाब से बताया जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लेट्स कम यू नो एंड डिस्कस अबाउट स्पीकिंग आफ्टर लिसनिंग। सो स्पीकिंग कम्स आफ्टर लिसनिंग, यानी यू समझे लिसनिंग और रीडिंग ये दो स्किल्स जो है ये इनपुट यू नो लाइक स्किल्स है, यानी वो ऐसे स्किल्स है जो हम सीखते ठीक है, और ये हमारी यूं समझ ले कि हम हमारे जहन में जो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और जो है वो इनपुट यानी उसका एक हासिल हसूल हो रहा होता है, और जो आउटपुट स्किल्स हैं या आउटपुट जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे आ जाते हैं स्पीकिंग और राइटिंग। बट एवर यू लिसन दैट सो एवर यू स्पीक, जो आप सुनोगे वो बोलोगे। जिंदा मिसाल हमारी मदर लैंग्वेज की है, इफ आई स्पीक यू नो लाइक पश्तो, इट मींस दैट माय फादर, मदर और द टाइम व्हेन आई केम इन दिस वर्ल्ड, सो द सोशल सर्कल आई गॉट दैट वेयर आई लिसन पश्तो मोस्टली, दैट्स व्हाई इट इज माय फर्स्ट लैंग्वेज। इसी तरह एक शख्स अगर कोई अरेबिक बोलता है, इट मींस दैट ही टुक बर्थ इन द एरिया, इन द प्लेस, इन द रीजन वेयर अरेबिक वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज, तो उसने वो सुना और आज वो बोलता है। ठीक है, तो इस तरह यही हमारा असल में एलिमेंट भी है कि वी जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इन दारुल मदीना आर टीचर्स, दे आर बेसिकली मोटिवेटेड, दे आर ट्रेन्ड बाय द ट्रेनिंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इधर इट इज विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, WTB समर ट्रेनिंग प्रोग्राम, STP, ओके यू नो लाइक BBT बुक बेस्ड ट्रेनिंग, लाइक वी मोटिवेट आवर टीचर्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम इन द स्टूडेंट्स इन द सिस्टम, सो दैट आवर स्टूडेंट्स विल लिसन to English more most of the time, यानी कि हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सुने, जितना सुनेगा फिर वो उतना ही इंशाल्लाह बोलेगा। तो जनाब फिर रीडिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आ जाती है, जितना अच्छा मुताला हुआ उतना अच्छा वोकैबुलरी मुस्तनद यू नो लाइक ऑथेंटिक बच्चे के पास, लर्नर के पास होगी, और उसकी उतनी ही अच्छी तहरीर होगी, राइटिंग होगी। तो लिसनिंग स्ट्रेंथन्स योर स्पीकिंग and reading you know like good content reading strengthen your writing. ठीक है जनाब, तो ये इस तरह से लिंक है चारों स्किल्स का, और हमारे प्रोग्राम में कोशिश की जाएगी कि इंशाल्लाह इन तमाम स्किल्स को टच किया जा सके। जनरली ये चीज यहाँ पर ऐड करता चलो, लाइक लेट मी ऐड दिस थिंग आल्सो दैट दिस प्रोग्राम इज टारगेटेड टू आवर स्टूडेंट्स और मोस्टली फ्रॉम 5 एंड ऑन यू नो लाइक, वैसे तो तमाम बच्चों के लिए है, सभी जो भी सेशन को लेंगे टीचर्स पेरेंट्स सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हमारा ज्यादातर फोकस जो होगा वो क्लास 5 एंड यू नो लाइक ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स की तरफ होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो प्राइमरी क्लासेस के लिए भी क्लास 5 से बिलो भी है, लेकिन उनका यूज हम प्राइमरी को के हवाले से बताते हुए आगे की तरफ भी लेके जाएंगे जल्दी, इजी ग्रामेटिकल
टॉपिक से किस तरह हम ज्यादा ज्यादा बेनिफिट हासिल करते हुए ज्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं. सो सी द लिस्ट ऑफ द कंटेंट. ओके, सो हमारे ये टॉपिक्स हम इंशाल्लाह जिन पे हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है. तो हमारा टॉपिक नंबर वन डेमोंस्ट्रेटिव वन, डेमोंस्ट्रेटिव टू, दिस दैट दिस दो, सिंपल इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पर्सन, फ्रेंड एंड फैमिली, थर्ड पर्सन, डेली रूटीन. फर्स्ट पर्सन की डेली रूटीन कैसे बताई जाती है, थर्ड पर्सन कैसे उसको किस तरह प्रैक्टिकल यूज करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग गेम्स इन डेज में जबकि लॉकडाउन है, हम अपनी फैमिली के साथ हैं. सो हाउ वी कैन जस्ट वर्क ऑन आवर वोकैबुलरी बिल्डिंग गेम्स, वन टू थ्री वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश लैंग्वेज. रीडिंग इज अ फन, रीडिंग एक वो एलिमेंट है जहाँ मैं बताता चलूँ कि उस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है, बट लेट मी टेल यू दैट रीडिंग इज वन ऑफ दो स्किल्स, अगर हम इस पे सही से काम करें तो दीगर स्किल्स भी हमारी इम्प्रूव हो सकती है. प्रोनंसिएशन एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, स्टोरी टेलिंग, लिंकिंग वर्ड्स, और ये हमारे इस तरह से 16 सेशंस ऑलमोस्ट होंगे कम बेश इनशाला, जिसमें हम अपनी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स पे इनशाला काम करेंगे. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, आजकल हम ये देख रहे हैं कि लाइक पीपल आर सेइंग अबाउट इट दैट ओ माय गॉड, लाइक वी आर नाउ एट होम इन द लॉकडाउन सिचुएशन एंड वी गेट बोर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो आई थिंक हमें हर चीज का पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टाइम टू स्पेंड विद आवर फैमिली. यहां मैं पेरेंट्स को खासतौर पर एड्रेस करूंगा कि हमारे पेरेंट्स जो है उनको मौका मिल रहा है कि खासतौर पर फादर्स जो है उनको अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ टाइम ज्यादातर स्पेंड करें, तो वहाँ उनको बच्चों को मोटिवेट करना, इफ दे आर क्वालिफाइड तो वो बच्चों को अपनी स्किल्स भी उनसे शेयर कर सकते हैं, इफ दे आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड सो वो बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या करो क्या नहीं करो. इस इन तमाम चीज़ों से जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो दैट्स रियली ब्लेसिंग. तो अगर हम दारुल मदीना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो दारुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह इज गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो, लाइक स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, दैट you know, like they are, you know, just creating the situation, जिसे हम कहते हैं कि blessing in disguise, कि इस situation को एक रहमत और बरकत के माने हम लें, शुक्रगुजार हो कि हम अपनी family के साथ time spend कर रहे हैं, students की improvement पे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं. So ये जो online training program है, ये एक उस research को reflect करता है, जो research के तहत एक दुनिया का एक बहुत मशहूर educational system, schooling system जो माना जाता है Finland, वो इस चीज की तरफ फोकस करते हैं कि बच्चों को रिलैक्स और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया जाए, सीखने सिखाने का मौका दिया जाए. तो इफ वी टॉक अबाउट दैट वी आर स्पेंडिंग टाइम एट होम, स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग टाइम एट होम, सो देयर दे डोंट हैव that much restriction as they normally follow in the school. So just the structure school mein follow karte hain, ghar pe nahi, ek relaxed environment hai. So research says that, रिसर्च कहती है कि हम रिलैक्स एनवायरनमेंट में ज्यादा सीखते हैं बनिस्बत एक कंट्रोल और एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट. ठीक है, तो यहाँ मकसद ये नहीं कि हम स्कूलिंग सिस्टम की बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये बस सच है कि हम इस सिचुएशन जो आजकल करंट सिनेरियो, इसकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और इसके बेनिफिट की तरफ जाएं, तो ये एक बेहतरीन मौका है स्टूडेंट पेरेंट्स सबके लिए अपने आप को जो है सीखने सिखाने का और अपनी स्किल्स पे काम करने का, ज्यादा जिक्र करने का. सो एज वी डिस्कस ऑलरेडी एंड वी ऑफनली यू नो लाइक यू नो एम्फसाइज ऑन इट दैट के रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स सक्सेस जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स की अच्छी इन्वॉल्वमेंट और अच्छी कोऑर्डिनेशन पर है. अगर ये पॉसिबल है तो स्टूडेंट सक्सेस इज वेरी मच श्योर. तो अब ये यहाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि अगर टीचर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सो व्हाट इज द रोल ऑफ आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स को क्या करना है. पेरेंट्स को डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग सेशन स्टूडेंट अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे कहीं इधर उधर तो नहीं देख रहे, उनका कॉपी पेंसिल उनके साथ है कि नहीं, वो अच्छे पॉइंट्स को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, वहाँ से जो रिकॉर्डिंग चली या ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है लाइव, तो उसमें वो ट्रेनर को के साथ साथ बोल रहे कि नहीं, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यानी चेक इन बैलेंस, यानी फॉलो अप, ये चेक इन बैलेंस है फॉलो अप
ये जांच पड़ताल अगर पेरेंट रखेंगे, इंशाल्लाह पूछेंगे क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और अगर कुछ टाइम हो तो खुद के साथ बैठे सेशन में, सो यकीन माने कि दैट विल बी डेफिनेटली अ सक्सेस फॉर डेफिनेटली आवर स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे पेरेंट्स को इस तरह से इसमें शामिल होकर इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टूडेंट्स के लिए वर्थ लर्निंग बनाने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। डूज एंड डोंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है। जी जनाब, जब हमारा मदनी मुन्ना मदनी मुनीमा स्टूडेंट सेशन ले रहे हो, बैठे हो या रिकॉर्डेड सेशन सुन रहे हो, तो दे मस्ट हैव द पेन और पेंसिल और नोटबुक विद देम। ये पेरेंट्स को शो मेक शो करना है, इसको कंफर्म करना है, कीप योर फोन। अच्छा, अगर वो जो टैबलेट है या जो लैपटॉप शैपटॉप है उसके अलावा या ट्रेनिंग सेशन हो रहा है तो वो बिल्कुल उनके पास ना हो, इसको बार बार देखे, अपनी कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होती है, आपको पता है। अच्छा, ट्रेनिंग एक वक्त पे एक सेशन लिया जाए, ये ना हो कि मैथ्स का सेशन भी है, आपको पता है कि एक्सेस इतना है चीजों का, तो एक सेशन एक तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ज्यादा लर्निंग हो सके, ताकि मस्ट सबमिट योर फीडबैक। हमारी सेशन के साथ फीडबैक फॉर्म का सिस्टम भी होगा, अटेंडेंस फीड वगैरह का सिस्टम, अगर ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है तो वो इस चीज को लाजमी फुलफिल करें। मस्ट रिवाइज लेसन एट होम आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेशन के बाद पेरेंट्स इस चीज को मेक श्योर करेंगे बच्चा लाजमी रिवाइज करे सेशन को इंशाल्लाह ताला। तो अगर ये तमाम चीजों को हम ख्याल रखते हैं, सो वी कैन मेक दिस यू नो लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम अ सक्सेस for students, or we can create one opportunity in that opportunity, you know, like the opportunity which really motivates, persuade, and you know, like develop students' confidence and skills, particularly English speaking, you know, like it's concerned. I hope that inshallah ta'ala this session, you know, like, or this upcoming program, you know, like it'll be very, very useful, very beneficial for the students. Take your good care. Inshallah ta'ala we will listen another session. Inshallah ta'ala, with the first topic that is, you know, like demonstrative, jo hamara pehla topic hua, usse baat karenge demonstratives, pronoun ka hoga, demonstrative pronoun ka hoga, inshallah ta'ala, aur usko kis tarike se hum apni speaking improve karne mein use kar sakte hain, uska kya grammatical criteria hai, apna khayal rakhiyega, apne sessions ko sunte rahiyega, aur parents apne apne, parents, teachers, un sab, aur students apne apne जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से निभाएं। इंशाल्लाह ताला ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो है हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।